प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और इसका भेद नंबर 3 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 3 है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा उस कार्य को किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरित करता, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर, प्रेरणार्थक क्रिया जब करता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा उस कार्य को किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सीधी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि जब जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करके प्रेरणा देके उस कार्य को करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे नंबर 1 देखिए, सरपंच ने तालाब बनवाया। और नंबर 1 देखिए, जैसे सरपंच ने तालाब बनवाया। अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों, सरपंच ने स्वयं ने कार्य नहीं किया, गांव के लोगों को प्रेरित किया कि आप तालाब बनाओ, और तालाब खोदने से क्या होगा, बरसात का जो पानी है वो संग्रह होगा, और संग्रह होने पर हमारे कुओं का जो जल स्तर है वो बना रहेगा, और हमारे जो जानवर हैं पशु उनको पानी भी वहां पर पीने को मिलेगा। इसलिए उनको प्रेरणा दी कि तालाब खोदने से क्या फायदा है, और प्रेरणा दे करके सरपंच ने ये काम गांव के लोगों से करवाया, इसलिए यहाँ पर बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया। जो शब्द है ना बनवाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि सरपंच ने तालाब स्वयं ने नहीं खोदा है, गांव के लोगों को प्रेरित किया है कि तालाब खोदने से जल का संग्रह होगा, जल स्तर बना रहेगा, हमारे जो पशु हैं पानी पिएंगे, और इससे और भी कई लाभ हैं, ये पानी हमारे फसल के काम भी आ सकता है। और प्रेरित करके सरपंच ने गांव के लोगों से तालाब बनवाया। सरपंच अकेला तालाब नहीं बना सकता, गाँव के सभी लोगों ने मिलकर के तालाब खोदा, तालाब बनाया, तो यहां पर ये प्रेरणार्थक क्रिया। अब नंबर 2 देखिए, पिता ने पुत्र से सुंदर कांड करवाया। अब परीक्षा में वाक्य आता है, लेकिन उसमें बतानी पड़ती है सकर्मक क्रिया है, आकर्मक है, प्रेरणार्थक है, आज्ञार्थक है, और यह नाम धातु क्रिया है। अब इसमें पिता ने पुत्र से सुंदर कांड करवाया। अब प्रिय विद्यार्थियों, पिता ने पुत्र को प्रेरणा दी, पुत्र को ये प्रेरणा दी कि बेटा जो सुंदर कांड करने से मन को और मस्तिष्क को शांति मिलती, घर के अंदर संकट दूर होते हैं, व्याधियों को नाश होता है, और सुंदर कांड करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और इस कलयुग में जो हनुमान हैं वही सबसे बड़े देव हैं, और ये शिव जी के अवतार हैं,
इसलिए आप सुंदर कांड करो, घर में सुख शांति रहे, मन मस्तिष्क सही रहे और सदैव आपकी उन्नति रहे। पिता ने प्रेरित किया इसलिए बालक ने, पुत्र ने सुंदर कांड किया, करवाया प्रेरणार्थ क्रिया। अब इसको उदाहरण हम नंबर लेंगे 3 नंबर। नंबर 3 माने पुत्री से योग माने पुत्री से योग व्यायाम करवाया, करवाना यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि माने पुत्री को प्रेरणा दिए कि व्यायाम करने से क्या फायदा है, मन मस्तिष्क ठीक रहता है और शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधाएं उत्पन्न नहीं होती है, शरीर सुडोल रहता है। इसलिए माने पुत्री को प्रेरणा दी और प्रेरणा दे करके माने पुत्री से व्यायाम करवाया, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया माने पुत्री से योग करवाया या व्यायाम करवाया। अब उदाहरण नंबर 4 अध्यापक ने छात्रों से अब इसमें ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, अध्यापक ने छात्र से सुलेख करवाया या लिखवाया और इसके अंदर है करवाना या लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। क्योंकि इसमें अध्यापक ने स्वयं कार्य नहीं किया है, स्वयं ने सुलेख नहीं लिखा है और छात्र को प्रेरित किया है कि सुलेख करने से अच्छा लेख होता है। सु यानी होता अच्छा, सु इसका अर्थ होता अच्छा। और सुंदर प्रिय विद्यार्थियों सु उपसर्ग है और सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। तो अध्यापक ने छात्र को प्रेरणा दी कि सुलेख करने से लेख अच्छा होता है
और लेख अच्छा होने से परीक्षाओं में अंक भी अधिक आते हैं। कैसे आते हैं? आपका लेख गंदा है और यदि उत्तर सही है तो जो जांच करता है उसकी सोच एक बदल जाती है, तीन नंबर में से भी आधा नंबर काट ले, कहीं आधा काट लेगा, कहीं निबंध है डेढ़ नंबर काट लेगा। तो इस तरह से सब जगह नंबर कटेंगे तो आपके कम अंक आएंगे। यदि आपका लेख सही है, सुंदर लेख है, तो कॉपी जांच करने वाला प्रभावित होगा और आपके अंक भी पूरे आएंगे। इसलिए अध्यापक ने स्वयं सुलेख नहीं किया, बालक को प्रेरणा दी और प्रेरणा दे करके सुलेख करवाया है, तो प्रेरणा थक क्रिया होगी, छात्र से सुलेख करवाया। अब नंबर पांच, अब इसमें ध्यान दीजिए, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कर्ता यह है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे कार्य कर रहा है, करवा रहा है हेमंत से, और इसको प्रेरणा दे करके कि आप मुझे पत्र लिख के दिखाओ और पत्र लिख करके मुझे दिखाओ और प्रेरणा दे करके और हेमंत से पत्र लिखवाने का काम करता है, तो लिखवाता, ये प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रेरणा दुष्यंत ने हेमंत को प्रेरणा दी कि पत्र पत्र प्रार्थना पत्र जीवन में बहुत काम आते हैं और पत्र का प्रार्थना पत्र का जो सही प्रारूप होता है तभी जा करके उसको पढ़ने वाला प्रसन्न होता है, इसलिए प्रेरणा दे करके और से पत्र हेमंत से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। और इसी प्रकार ध्यान दीजिए, यहां पर करता यहां पर है, माँ ने कोई कार्य नहीं किया और पुत्री को प्रेरणा दे करके और व्यायाम करवाया, तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।